शिवपुरी कलेक्टर के बाहर भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर हंगामा किया गया। भाजपा नेता का कहना है कि अतिक्रमण हटाओ मुहिम के तहत तहसीलदार अपनी मनमर्जी से मकानों को हटा रहे हैं, वहीं कांग्रेस विधायक पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है। शिवपुरी जिले के पिछौर विधानसभा से पूर्व में भाजपा की ओर से रहे प्रत्याशी प्रीतम सिंह लोधी सहित कई कार्यकर्ता जिला कलेक्टर के पास शिकायत लेकर पहुंचे, जहां प्रीतम लोधी ने पिछौर से कांग्रेस विधायक केपी सिंह पर गुंडागर्दी करने के आरोप लगाए व साथ ही पिछौर के खनिया थाना में पदस्थ तहसीलदार दीपक शुक्ला को तत्काल हटाए जाने की मांग की। इस दौरान कलेक्टर और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बहस हुई। अपन तो अपन है ना, अपन जो भाषा यूज कर रहे हैं दूसरे के लिए यूज कर रहे हैं। तो हम लोग बर्बाद कर दिया उसने, आराम से सुनने के लिए तो आए सर। मेरे दो भाई खत्म हो गए, दो इसी की चक्कर में, इसी मकान के चक्कर में दो भाई खत्म हो गए सर। ये पूरे कागज के पास में बस स्टैंड पे ये मकान है, मेरे पास मंजूरी है सर, पूरी 40 साल से रह रहे हैं, चले सब डुप्लीकेट है। इसी केंद्र में सर दो लोग दो दिन में दो भाई खत्म हुए, कलेक्टर के पास शिकायत लेकर पहुंचे भाजपा नेता प्रीतम सिंह लोधी ने तहसीलदार पर आरोप लगाते हुए कहा कि तहसीलदार दीपक शुक्ला अपनी मनमर्जी से मकानों को तोड़ रहे हैं। वह साथ ही पिछौर विधायक केपी सिंह ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को झूठे प्रकरणों में फंसाया जा रहा है। प्रीतम सिंह लोधी ने मांग पूरी न होने पर कलेक्ट्रेट में ही धरना देने की बात कही। वहीं कलेक्टर का कहना है कि भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसकी जांच कराने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। आज पिछौर की समस्या लेके आया हूं। पिछौर में कुछ अधिकारियों की गुंडागर्दी चल रही है। केपी सिंह का उन पर आशीर्वाद और बहुत ज़्यादा हाथ रहता है उनके ऊपर। केपी सिंह वहाँ के एक विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। तो वहाँ एक दीपक शुक्ला करके ना एक तहसीलदार हैं, उनने खनिया थाने में उनकी तो इतनी हद हो गई है कि लोगों को जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता जिन्होंने बीजेपी का काम किया ईमानदारी से, उनको सबको टारगेट बना के झूठे मुकदमे लगवाना, झूठी रेत भरवा के ट्रैक्टर में ट्रैक्टर जब्त करवाना, झूठे बुला के ना इतना कर रहा है कि बुला के कमरे में किसानों को खुद टॉर्चर करता है। ये टॉर्चर करने का मेरी समझ में नहीं, अधिकार किसने दे दिया? तो मैं माननीय महोदय कलेक्टर महोदय साहब से मैं निवेदन करने आया हूँ कि इनके अधिकार चुनाए, उनका ट्रांसफ़र हो चुका है और ट्रांसफ़र होने के बाद अभी भी उसको रिलीव नहीं किया जा रहा है, इतनी हद कर दी गई है। तो हम कलेक्टर महोदय साहब से आज निवेदन करने आए हैं, दो घंटे का समय मांगा है, अगर दो घंटे में उसको रिलीव नहीं किया, यहाँ से नहीं हटाया, तो मैं आज यहीं पर भूख हड़ताल पर बैठूँगा अनिश्चितकालीन के लिए। उसमें एक मैटर तो कोऑपरेटिव बैंक का है कि जो ऋणमाफी की सूची बनी थी उसमें तमाम गलतियां हैं और लोगों ने ऋण लिया नहीं, उनके भी नाम आ रहे हैं अथवा बहुत बढ़ा करके नाम राशि सूची में आ रहा है, ऐसा लोग होता है। दूसरा मसला तहसीलदार खनिया थाना से संबंधित है कि गरीबों के जो पुराने मकानात जो कई सालों से बने उनको गलत तरीके से तोड़ने का काम किया जा रहा है और दूसरी तरफ कुछ सरकारी जो जमीन उसके अतिक्रमण जहाँ हटाना चाहिए था वो नहीं। इसके अलावा कोई कई व्यक्तिगत भी आवेदन तो सर अभी क्या क्या कार्रवाई की गई, जैसे लोगों के विरुद्ध गलत कार्रवाई की गई, कार्रवाई तो अलग अलग किस्म के प्रकरणों में अलग अलग करनी पड़ेगी। अगर कोऑपरेटिव वाला मसला है तो कोऑपरेटिव के अधिकारियों की टीम से जांच करानी पड़ेगी जी। जो इंक्रोचमेंट का मामला है गरीबों के मकानात तोड़ने के, उसमें सरकार के भी निर्देश हैं कि गरीबों के इस प्रकार से मकानात आबादी क्षेत्र से नहीं हटाए जाते। उसमें बोला तहसीलदार साहब जो वहाँ पर है उनकी दमनता ज़्यादा जा रही है वहाँ पर। हाँ, जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम जो मैंने बताई कि व्यक्तिगत भी लोगों ने बनाई है कि व्यक्तिगत भी उन्होंने कई के विरुद्ध कार्रवाई जो की है वो गलत है, ठीक है, वो व्यक्तिगत जो मैं आवेदन बोल रहा था वही उसका आशय हुई था। तो तीन चार अलग अलग किस्म की, इसके अलावा बिजली विभाग की भी कुछ शिकायतें हैं कि बिजली के जो केस बने वो गलत हैं, बिजली की जो मीटर रीडिंग आया है वो गलत आया है, तो अलग अलग किस्म के, वो अलग अलग किस्म के प्रकरण में अलग अलग किस्म की कार्रवाई होगी। कोऑपरेटिव वाले में प्रॉपर्टी से जानकारी लेनी होगी, रेवेन्यू वाले में और जो कोई सीनियर ऑफिसर जो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट का वो कार्रवाई कराएगा।
बहरहाल सूबे में भाजपा की सरकार होने के बाद भी भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन शहर भर की सुर्खियों में रहा। फिलहाल देखना होगा कि भाजपा के आरोपों पर कलेक्टर क्या एक्शन लेते हैं। शिवपुरी से कपिल मिश्रा की रिपोर्ट।